आज हम एज ओल्ड ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने जा रहे हैं नींबू के अचार की, जो हमारी दादी और नानी बनाती थी। ये अचार जितना पुराना होगा स्वाद इसका उतना ही दुगना और फायदे भी उतने ही दुगने होंगे। सबसे अच्छी बात इस अचार की, ये सालों साल खराब नहीं होगा और इसमें तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यूज किए हुए सारे मसाले के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और सबसे अच्छी बात दिस अचार इज गुड फॉर इम्यून सिस्टम, डाइजेशन, बोन स्ट्रेंथ एंड फुल ऑफ विटामिन्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हूज देसी किचन। तो चलिए आज बनाते हैं नींबू का भरवा अचार। आधा किलो नींबू को हमने अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसको एक साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं, जिससे कि इसमें जो भी नमी हो या मॉइस्चर हो वो खत्म हो जाए। आप चाहे तो इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अचार के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, अजवाइन, क्योंकि डाइजेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है अजवाइन। इसकी क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है। बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी सौंफ, जीरा, काली मिर्च और लौंग। इन सब मसालों को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बस इतना ही ड्राई रोस्ट करना है, जिससे कि मसाले का मॉइस्चर खत्म हो जाए। मसाले को हम लो फ्लेम के ऊपर बराबर चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। मसाले इससे जलेंगे नहीं और अच्छी तरह मसाला भुन भी जाएगा। मसाला अब अच्छी तरह भुन गया है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके अब हम इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब नींबू को काट लेते हैं। नींबू को हम चार हिस्से करेंगे, लेकिन नीचे से नींबू को हम जुड़ा रखेंगे। इस तरह से हम सारे नींबू काटकर तैयार कर लेते हैं। नीचे से जुड़ा हुआ है और ऊपर से नींबू के ये चार हिस्से हैं। चलिए एक और करके दिखाते हैं। आधा काटा, फिर बीच से और आधा कर दिया। ऊपर से चार हिस्से हो गए, लेकिन नीचे से नींबू को जोड़ के रखा है। मसाले को पीस लिया है, इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। मसाले को चलिए अब पिसे हुए मसाले में थोड़ी और चीजें मिलाते हैं। ये सादा नमक है, ये ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी नींबू के अचार में थोड़ी ज्यादा रखेंगे। काला नमक 2 से 3 चम्मच ये ऐड करेंगे। सेंधा नमक, काला नमक और सादा नमक, तीनों ही हम नमक अचार में ऐड करेंगे। ये सेंधा नमक है, ये 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे इसमें। ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर ये ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच। हींग, नींबू के अचार में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच हींग ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये खट्टा मीठा अचार बना रहे हैं तो इसमें हमने पिसी हुई चीनी ऐड की है। 5 से 6 चम्मच ये आपको जितना भी चाहिए उसके हिसाब से एडजस्ट कर ले। सब चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह मिला लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। सब मसाले को अच्छी तरह हाथ से मिला लेंगे। अब जो हमने नींबू काटे हैं मसाला, अब हम उसमें भरेंगे। पहले एक साइड से भरेंगे और फिर दूसरी साइड ओपन करके वहां से भरेंगे मसाला। अच्छी तरह हाथ से थोड़ा सा पुश करेंगे मसाले को, जिससे कि मसाला अच्छी तरह नींबू में भर जाए। चलिए एक और देखते हैं। एक साइड से मसाला भरा, फिर दूसरी साइड ओपन करके वहां से हमने मसाला अंदर भरा। इसी तरह से हम सारे नींबू में मसाला भरकर तैयार कर लेते हैं। सारे नींबू भरकर तैयार हो गए। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक कांच का हम 100 बोल ले लेते हैं अचार का। पहले हम 1-2 दिन इसी कांच के बोल में रखेंगे। इसमें जो हमने मसाला बनाया है वो पहले 2 से 3 चम्मच छिड़क लेते हैं। अब इसमें हम ये नींबू रख देंगे।
सारे नींबू हम इसमें कांच के बोल में रख देते हैं। थोड़ा सा मसाला हम इसके ऊपर और डाल देंगे और इसको कवर करके हम 2 से 3 दिन पहले ऐसे ही इसको हम धूप में रख देंगे। 2 दिन के बाद कांच का एक स्टरलाइज जार लेते हैं, इसमें 2 से 3 चम्मच अचार का मसाला डालते हैं। 2 दिन में नींबू भी थोड़े गल गए हैं, हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। सारे नींबू हम इसमें जार में प्लेस कर देंगे। नींबू अच्छी तरह से जार में आ गए हैं सारे। वैसे 3 चम्मच अब इसमें हम अचार का मसाला और ऊपर से ऐड करेंगे। थोड़ा सा हिला देंगे जिससे कि मसाला अंदर बैठ जाए। कवर करके अब हम इसको धूप में रख देंगे जब तक कि नींबू गल ना जाए। नींबू को गलने में और अचार को पूरा तैयार होने में तकरीबन 1 महीना तो लगेगा ये, और एक बार तैयार हो गया तो आप इसको सालों साल स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।